दोस्तों एक ये पैनासोनिक का दोस्तों हेयर ड्रायर है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है दोस्तों? ये चलता तो है लेकिन थोड़ा सा इसकी जो हवा का जो ये जो हवा आ रही है दोस्तों, ये आती तो गर्म में, वैसे इसमें गर्म हवा आती है लेकिन स्पीड जो है इसकी जो तेज होनी चाहिए वो नहीं है दोस्तों। तो स्पीड इसकी बहुत मंदी है दोस्तों, इसमें तेज आनी चाहिए हवा लेकिन आती बहुत मंदी है। तो दोस्तों ये इसके अंदर जो मोटर लगी होती है उसका फॉल्ट होता है। और चलो दोस्तों इसको देख खोलते हैं, खोल के इसको रिपेयर करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे रिपेयर होगा। और दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के दो चैनल है, कैम केस रिपेयरिंग यानी कैम केस फाइंड सोल्यूशन, आप दोनों ही सब्सक्राइब करें, दोनों का बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता है। चलो दोस्तों इसको खोलते हैं, खोल कर इसको रिपेयर करते हैं। और दोस्तों इसको खोलने के लिए आपको ये दो पेज खोलने पड़ेंगे। इसमें दोस्तों थोड़ा सा नॉर्मल वाला पेज कैसे नहीं लगेगा, जैसे नॉर्मल पेजेस इस तरह के होते नहीं, इसका पेज थोड़ा सा दूसरी तरह का है, इस तरह का लगेगा। तो दोस्तों इसको चलो खोल लेते हैं। दोस्तों ये दोनों पेज खोलने हैं, खोलने के बाद हम इसको ये जो इसकी ढक्कन है ऊपर वाला ये हटा लेते हैं। ये हमारा हट गया दोस्तों। हटाने के बाद दोस्तों ये यहाँ से निकल जाएगा। और दोस्तों ये पीछे के हमें यहाँ से ये हटा लेंगे इसको, ये पीछे की कैप हटा ली। और दोस्तों इसका ये जो फैन है ये फैन हम बाहर निकाल लेंगे। और दोस्तों ये इसके अंदर एलिमेंट है, एलिमेंट हमारा ओके हीट करता है लेकिन जितनी तेज़ हवा बाहर निकलेगी। दोस्तों ये हमने मोटर बाहर निकाल ली है। और बाहर निकालने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कचरा फंसा हुआ है, ये बाल काफ़ी फंसे हुए, ये हम चिमटी से ये बाल बाहर निकाल लेंगे। और दोस्तों ये बाल हमने बाहर निकाल दिए, इन्हीं की वजह से दोस्तों ये दिक्कत थी। तो दोस्तों एक बार हम इसका ढक्कन लगा के और एक बार देखते हैं इसकी जो प्रेशर है। एक बार हम दोस्तों हवा इसकी काफी तेज हो गई और पहले थोड़ा सा मंदा आता था। ये देखिए दोस्तों अब काफी तेज हो चुका है। ये देखिए पहले दोस्तों इसमें क्या दिक्कत आ रही थी, ये चलता तो था, हीट भी करता था लेकिन हीट भी जो इसकी जो हवा थी जो बाहर आती थी वैक्यूम, वो बहुत मंदी आ रही थी दोस्तों इसकी फुल करने पर। और वो दोस्तों इसलिए आ रही थी कि इसके अंदर दोस्तों बाल फंसे हुए थे, तो ये पंखा है ना पूरी तरह घूम नहीं पाता था। घूमता होगा तो थोड़ा थोड़ा अटक की वजह से अटक अटक के घूमता हुआ, और थोड़ी बाल की वजह से ही ज़्यादा ये इसकी स्पीड कम हो गई थी दोस्तों। तो ऐसे में क्या होती, या तो अगर दोस्तों नहीं होता बाल वगैरह से सफाई से, तो दोस्तों फिर हम इसमें जो मोटर है इसका ये फैन वगैरह निकाल के सारा निकाल के इसमें तेल वगैरह डाल के देखते थे, नहीं तो ये मोटर चेंज कर मोटर हमें चेंज करनी पड़ती। तो दोस्तों ये मोटर चेंज करनी पड़ जाती। तो दोस्तों इसमें कचरा फंसने की वजह से, बाल जो फंस रहे थे इसकी वजह से, इसकी फैन की जो स्पीड थी वो बहुत मंदी हो चुकी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हीट तो नॉर्मल रहती थी, हीट को ज़्यादा जो तेज जितनी तेज हवा होगी उतनी तेज हीट बाहर आएगी। तो दोस्तों इस फैन की वजह से थोड़ा मंदा चलने की वजह हीट कम आती थी बहुत, इसमें ये दिक्कत थी। और दोस्तों वैसे इसमें ये मोटर लगी हुई है और इसमें ये डायरोड लगे हुए हैं, चार डायरोड का ब्रिज इसलिए दोस्तों क्योंकि डायरेक्ट ये एसी के तार है, दोनों एसी के तार और ब्रिज बना के इसमें डीसी बोल्ट जो मोटर होती है हमारी डीसी होती है। तो दोस्तों इसमें चार जो डायरोड लगा रखे हैं PS204 नंबर के डायरोड लगा रखे हैं। तो दोस्तों चलो इसको बंद करते हैं और बंद करके फिर फाइनल चेक करेंगे। और दोस्तों इसको बंद करने के लिए जैसे हमने खोला था, और दोस्तों इसको बंद करने के लिए आपको ये इस तरह बंद करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे कट है ये इस इधर आना चाहिए दोस्तों। अगर ये कट इधर उधर जा से इधर जाएगा तो इसकी आपको इस वाले कैप की फिटिंग अच्छी ठीक नहीं आएगी आपको।
तो आपको इसको यहाँ पे इसी ये कट जो है इसी कट पे सीधा रखना पड़ेगा और इसे कैस थोड़ा सा कस के कर दें। और दोस्तों ये जो तार हैं ये तार आप नीचे की साइड लें, नीचे वाले खानों में। और इसके बाद दोस्तों हम इसको बंद कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे देखो फिटिंग बिल्कुल सही आ गई हमारी। इसके बाद दोस्तों ये जो सफ़ेद वाला ये यहाँ लग जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमने ये वाली चीज़ लगा ली यहाँ पे। और ये जो वायर है ये वायर इधर की साइड आप रखें, फिर इसको आप ऐसे बंद करें, क्योंकि वायर इधर की साइड रखेंगे तो ये थोड़ा सा ऐसे मूवमेंट में वो रहेगा। अगर वायर आपकी थोड़ा सा ये वायर आपकी थोड़ी इधर रहेगी, जैसे इधर करके आपने लगा दिया तो ये मूवमेंट में तार बहुत खींचेंगे दोस्तों, तो ये तार इधर रहने चाहिए दोस्तों। इसको पिरो दें और ये दोस्तों इसको पिरने के बाद ये बटन वगैरह इसके फिट कर लें। और ये जो नोब है दोस्तों, ये जो नोब है नोब आप पिरो लें दोस्तों। ये नोब हमने पिरो लिए दोस्तों, ये नोब पिरो लिए, फिर हम इसके ऊपर की जो कैप है ये लगा देंगे। ये हमने कैप लगा ली दोस्तों। कैप लगाने के बाद दोस्तों इसके जो दो पेच है दोनों पेच आप कस लें। और दोस्तों इसको कसने के बाद इसकी फाइनल टेस्टिंग करते हैं। ये देखिए दोस्तों ये मंदी स्पीड में, ये इससे थोड़ी तेज और दोस्तों ये पूरी तेज। ये पहले दोस्तों ये समझ लो जो पहले वाली स्पीड है इसी पे ही चलता था, क्योंकि फैन में बाल अटक रहे थे, बाल की वजह से इसकी स्पीड बहुत कम हो जाती थी दोस्तों, इसी वजह से ये चल नहीं पा रहा था। अब इसकी स्पीड काफ़ी तेज हो चुकी है और हीट भी अच्छी आ रही है दोस्तों। दोस्तों अगर आपके पास ये पैनासोनिक का 1000 वाट का, दोस्तों 1000 वाट का ये वो है हेयर ड्रायर, तो आप इसी तरह उसको रिपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के दो चैनल हैं, कैम केस रिपेयरिंग या कैम केस फाइन सॉल्यूशन, आप दोनों ही सब्सक्राइब करें, दोनों का बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता है। और दोस्तों मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।